सरकारें बदलती हैं लेकिन नहीं बदलती मांग। राज्य के विशेष दर्जे की मांग को लेकर पार्टियों ने हल्ला मचा रखा है। बैठकें होती हैं, बैठकों में चर्चा होती है, लेकिन चर्चा का विषय सीम रहता है। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, आपको बता दें इसे लेकर पहले सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में YSRCP के नेताओं ने आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। अजीब बात ये रही कि TDP नेता और JDU नेता इस मामले में चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी गठबंधन में शोर की ओर इशारा कर रही है। देश में तीसरी बार NDA की सरकार बनी, पर BJP की राह इस बार आसान नहीं। कारण, बहुमत से कम आंकड़े। क्योंकि BJP इस बार बहुमत के लिए TDP और JDU जैसी पार्टियों के समर्थन के सहारे टिकी हुई है, ऐसे में सहयोगी दलों का समर्थन इसकी कीमत वसूलने की कोशिश में है। BJP का 400 पार का नारा केवल हाफ सेंचुरी ही पूरी कर पाया। BJP के पाले में इस बार 240 सीटें आई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के पाले में 234 सीटें आई हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा। दरअसल स्पेशल स्टेट का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे राज्यों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से प्रदेश सरकार को कई तरह की छूट और अनुदान मिलने लगता है। आपको बता दें केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले फंड्स में 90% अनुदान का होता है, जबकि सिर्फ 10% कर्ज होता है, जिस पर राज्य को बकाया तक नहीं चुकाना पड़ता। साथ ही उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र की ओर से विशेष पैकेज, टैक्स में छूट जैसी बड़ी राहत मिलती है, ताकि उन राज्यों का विकास किया जा सके। TDP और JDU की विशेष राज्य की मांग पर चुप्पी अब दूसरी मांग की ओर इशारा कर रही है। TDP को अब विशेष राज्य नहीं, विशेष पैकेज चाहिए, ताकि सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का विकास कर सके। JDU को भी विशेष पैकेज चाहिए, ताकि सरकार राज्य का विकास कर सके। पार्टियों की मांग पर केंद्र की ओर से जवाब ना मिलना पार्टियों को परेशान कर रहा है। वहीं हर पल पार्टियों के पाला बदलने का डर केंद्र की नींद उड़ा रहा है।